वेलकम बैक टूवर्ड्स द वेरी एंड फाखर भाई, ये बात ठीक है कि जिम्मेदारी दोनों की है, कौम की भी है और रियासत की भी है, और हम मतलब दोनों ने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मसला हल होगा। एक तो इस पर आप अपना कमेंट कर दें, और अगर मैं चाहूंगा आखिरी मिनट में आप जो आपका बड़ा मशहूर गाना है तेरे बिना जी ना लगे, कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, क्योंकि बड़ी हमने ड्राई डिस्कशन की है अभी। जी, रियासत जो है पाकिस्तान की रियासत वो हमारी कौम ही है, हमें हमारे ही बहन भाई हैं जो कि हमारी डीप स्टेट का हिस्सा हैं, जो हमारी रियासत का हिस्सा है, हम ही हैं। रियासत भी हम हैं, अवाम भी हम हैं। हमारी कौम जो है मुझे बहुत प्यारी है, मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, जो मासूम भी है, सादा भी है, लेकिन जहीन बहुत है, सियाणी है। 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब वो दुबई लैंड करते हैं तो बिल्कुल लाइन में लग जाते हैं और डिसिप्लिन हो जाते हैं। देखें, दुनिया भर में अवाम एक जैसे होते हैं, भले वो न्यूयॉर्क हो, बर्मिंगम हो, वहाँ पे भी जब लाइट जाती है तो रॉटिंग हो जाती है, लूटमार शुरू हो जाती है बर्मिंगम में, न्यूयॉर्क में। अगर अवाम इतने महजब थे अगर अमेरिकन, तो वहाँ पे चप्पे चप्पे के ऊपर छुप के पुलिस की पेट्रोल कार क्यों खड़ी होती है देखने के लिए कि ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। बिल्कुल, दुनिया भर के अवाम एक ही जैसे होते हैं, उनको डिसिप्लिन करना होता है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मार खाई है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रिट ऑफ स्टेट जो है ये हमारी हुकूमतों का काम था। यहाँ पे हम लोगों से भूल चुके हैं, हम लोगों ने कुछ लोगों को प्रिविलेज दिया है, कुछ लोगों, अगर आप कुछ गुनगुना सके। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। मैं कहूंगा कि अमीर गरीब का फर्क खत्म करें, जजा सजा का निजाम कायम करें, झूठ और मुनाफकत के ऊपर और तफरका डालने वालों को पनिश करें, और अमीर गरीब को एक ही जैसा इंसाफ दें। प्लीज, मेरी ये इल्तिजा है पाकिस्तान की रियासत। थैंक यू।